मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? दलितों को, गुजरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुजरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्तीय सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है?